जय हिंद भाइयों। ओके, तो हम बात करने वाले हैं आज आपकी वो अपर बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका चेस्ट, जो आप एक मस्कुलर एक तगड़ा दिखते हैं। तो आज बात करने वाले हैं आपके चेस्ट बारे में, सीना आपकी कैसे ग्रो होगी, आपकी बॉडी कैसे बनेगी, तो उसी के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। जो भाई बोलते हैं कि यार मेरे पास जिम नहीं है, जिम किट नहीं है, आप सोचते हो कि मैं जिम जाऊँगा या मैं घर पे वर्कआउट करूंगा तभी बॉडी बनेगी, हाँ आपकी बात ये सही है, पर आप जब प्रॉपरी तरीके से वर्कआउट को फॉलो करोगे सही तरीके से तो आपकी बॉडी जरूर बनेगी। सो लेट्स बिगिन, चलते हैं वर्कआउट की तरफ। गाइस हमारे जो भाई बोलते हैं कि यार मतलब पुशअप लगाने से आपकी बॉडी बनती है, जैसे नॉर्मली तरीके से ऐसे ऐसे मेरे भाई लगाते हैं पुशअप, ऐसे लगाते हैं, आपकी बात सही है, आप ये पुशअप करोगे तो आपकी ओवरऑल चेस्ट बनेगा, आप एक तगड़ा मसल्स दिखोगे। पर आप जब गाइज अपना वेट बढ़ाओगे, मतलब अपनी पीठ पे जब वेट रखोगे तभी आपकी मतलब चेस्ट बनेगी तगड़ी। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बॉडी पे, आप जैसे पीठ पे है, अपने पीठ पे आप जब एक प्लेट रखोगे या ब्रिक ईट रख सकते हो तो आप ऐसे लगाओगे तो इससे आपकी जो बॉडी है ना ये 5 गुना ग्रो होगा, आपकी तगड़ी एकदम चेस्ट बनेगी और आपको दिखेगा कि हाँ हमारे चेस्ट पे लोड पहुंच रहा है। और आप जैसे अपने चेस्ट पर पंप नहीं आ रहा है तो वही वेट रखो, वेट रखोगे अपने पीठ पे और नॉर्मली तरीके से आप पुशअप लगाओगे एकदम अच्छी तरीके से, ऐसे। मेरे पास इस समय ईट नहीं है, नहीं मैं अपने पीठ पे ईट रख के आप सबको दिखाऊंगा। गाइस जो हमारे भाई मतलब पुशअप लगाते हैं नॉर्मली तरीके से अपने बॉडी वेट से, तो उनकी हैबिट पड़ जाती है, तो अपने हैबिट मतलब ना उनको थकान होती है ना मतलब उनके चेस्ट में पंप आता है, तो वो ऐसे ही आदत पड़ जाती है, वो वर्कआउट करते हैं तो बोलते हैं भाई मेरा चेस्ट ग्रो नहीं हो रहा है, तो यही कारण है आप एक गलती कर रहे हो, ये गलती। गाइस हम दूसरे एक्सरसाइज करने वाले हैं इंक्लाइंड पुशअप। नॉर्मली तरीके से अपने हैंड को कहीं ऊंचे स्थान पर रख लेना है और अपने पैर को नीचे रख लेना है, जैसे मैं देखो ये मतलब बना हुआ है, आप कहीं बेंच पे भी रख सकते हो, तो ऐसे अपने ऊंचे स्थान पे अपने हैंड को रख लेना है, जाना है स्लोली, जाए स्क्वीच स्लोली स्क्वीच, ऐसे लगा सकते हैं आप, ये आप 15 से 20 बार कर सकते हैं, जिसमें आपका रिपीटेशन होना चाहिए 4 से 5 रिपीटेशन। सो गाइज हमारी तीसरी एक्सरसाइज है डिक्लाइंड पुशअप। नॉर्मल तरीके से अपने पैर को एक ऊंचे स्थान पर रख लेना है, जैसे उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट मतलब पैर को अपने नॉर्मली तरीके से ऊंचे स्थान पर रख लेना है, अपने हैंड को नीचे रखना है और जैसे ही आप कर रहे थे मतलब स्लोली स्क्विच स्लोली स्क्विच स्लोली स्क्विच ऐसे करेंगे तो आपकी चेस्ट बहुत जल्दी ग्रो होगी गाइज। और आप गलत तरीके से टेक्निक करोगे तो आपकी चेस्ट नहीं बनेगी, तो सही टेक्निक अपनाओ, सही वर्कआउट करो और करो सही तरीके से डाइट फॉलो करो तो आपकी बॉडी आपकी चेस्ट ग्रो होगी गाइज। या जिम जाओ या ना जाओ, या जिम की सामान आपके पास है पर आपके अंदर जब जिद होगी जुनून होगी तो आप चेस्ट एकदम तगड़ा बना सकते हो, किसी का बाप आपको रोक नहीं सकता ना कि कोई दोस्त आपको रोक सकता है। तो गाइज एक्सरसाइज को फॉलो करो और एकदम तगड़ा मचाओ, बवाल मचाओ। तो गाइज हम सब नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जय हिंद।